दूसरा करंथियो उसका 12:1 से हम पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में से लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। ये शब्द पौलुस के लिखे हुए हैं। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। पौलुस यहाँ पर एक मनुष्य की चर्चा कर रहा है कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ जो 14 के बीतने पर, ये 14 स्वयं पौलुस की ही बात है, 14 पौलुस ने वचन सीखा है। गलातियों 2:2 में भी पढ़ सकते हैं, 1 में लिखा है, 14 के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। उस घड़ी से लेकर जब यीशु मसीह इस पर मार्ग में प्रकट हुए थे, उस समय से लेकर लगभग 14 ये प्रभु के वचन में टटोलता रहा, खोजता रहा, प्रभु को जानता रहा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ जो 14 हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा है पौलुस? ऊपर 1 का जो घमंड लिखा है, ऐसे मनुष्य पर मैं तो घमंड करूंगा। लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको प्रभु ने तीसरे स्वर्ग में उठा लिया था। वो कहता है कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित, पता नहीं देह के साथ उठाया था, पता नहीं दर्शन में वो मुझे लेकर गया और इसने स्वर्ग पर ऐसी ऐसे चीजें देखी, ऐसे विजन्स देखे, ऐसे रेवलेशंस देखे जो कहता है मनुष्य को मुंह पर लाना उचित नहीं है। जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है, क्यों उचित नहीं है? क्या वो कुछ बुरी बातें? नहीं, बुरी बातें नहीं है। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें जो हैं अभी गुप्त में रखी हुई हैं, जिनका प्रगटीकरण अभी हुआ नहीं है। हम जब स्वर्ग में जाएंगे, वी विल टोटली बी सरप्राइज्ड, हम सरप्राइज्ड होंगे, पूर्ण तौर पर हैरान होंगे उधर की चीजों को देख के। हालेलुया। आप जो सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर या बड़े सेवकों ने तरह तरह की पुस्तकें लिखी हैं और आप उसको उसके अंदर स्वर्ग के दर्शन पढ़ते हैं, स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर्ग में सेवक गए, उन्होंने वहां पर फूल देखे, बूटे देखे। पौलुस स्वयं तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया और बाइबल बताती है कि वो कहता है कि मैंने जो उधर देखा है मुझे वो मुंह पर लाना उचित नहीं। हालेलुया। ऐसा गहराई में ये गया के खुदावन ने इसको बड़े रेवलेशन दिए। पौलुस जो है, पौलुस का आप बात को समझिएगा, पौलुस ने नए नियम में लगभग 14 लिखी हैं। इब्रानियों की पत्री, उसका क्लैरिटी नहीं है कि वो किसने लिखा है, बट ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पौलुस के द्वारा लिखा गया है, जिस अंदाज से वो लिखा गया है। पुराने नियम का जैसे अनुवाद इब्रानियों की पुस्तक में किया गया है, उससे हमें थोड़ा आइडिया होता है कि पौलुस के द्वारा ये लिखा गया है। अगर इब्रानियों की पत्री को हम छोड़ते हैं तो पौलुस की करीब 13 बाइबल नए नियम में हैं। टोटल पुस्तकें कितनी हैं? 27 हैं नए नियम में। 27 में से 13 निकाल देंगे, पीछे बची 14, लगभग आधी। हाँ जी, अगर वो इब्रानी भी हम काउंट करते हैं तो पीछे बचती 13। तो लगभग आधी पुस्तकें नए नियम में, आधी लेटर्स जो है नए नियम में, वो पौलुस की लिखी हुई है। वन ऑफ द मेन पसल इसको हम ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को सही अनुवाद दिया है, सही कलाम दिया है। हालेलुया। अब ये बंदा स्वर्ग में चढ़ गया और इसने स्वर्ग में ऐसे दर्शन देखे, ऐसे विजन देखे, ऐसी चीजें देखी जो मनुष्य को मुंह पर लाना उचित नहीं है। क्यों मुंह पर लाना उचित नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने वो चीजें अभी गुप्त में रखी हैं। परंतु जो जो परमेश्वर के निकट जाता है वो खजाने पाता है, वो ज्ञान के भंडार पाता है, उसके ऊपर परमेश्वर अपने कलाम को खोलता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? पौलुस ने दर्शन देखा और इन दर्शनों की वजह से पौलुस के अंदर घमंड धीरे धीरे आ रहा है। फिर आगे क्या पढ़ते हैं? ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने अपने विषय में घमंड ना करूंगा।
क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मूर्ख ना होऊंगा, यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। कुछ बोलना चाहता है पॉलुस, यहां पर रुक जाता है। वो चीज जिसने देख ली है वो चुप नहीं रह सकता है। आप देखेंगे पॉलुस की पत्रियों में वो अधिकतर ऊपर की वस्तुओं की चर्चा करता है, कहता है धरती पर कुछ भी नहीं है, हमारा संसार हमारी नजर में कूड़ा है, मैंने बहुत सारी चीजों की हानि उठाई है और उठाऊंगा भी, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। क्यों लाभ कहता है मरने को? क्योंकि इसने स्वर्ग में ऐसी चीजें देख ली हैं जो किसी भी मनुष्य को दिखाई नहीं दी। वो चीजें देखकर कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है, मर जाऊंगा तो उन चीजों के पास सदा के लिए पहुंच जाऊंगा, उस जगह पर जहां पर परमेश्वर ने मुझे तीसरे स्वर्ग में उठाया। क्यों पॉलुस कहता है मैं संसार में हानि उठाता हूं, जो मेरी लाभ की वस्तुएं हैं, जिन चीजों से मुझे लगता है कि लाभ है, पैसा है, मैं कमा लूं, मैं इकट्ठा कर लूं, उन चीजों को कहता मैंने हानि जाना है ताकि मैं मसीह में पाया जाऊं। उस वचन को पढ़ेंगे फिलिपियां 3:7 लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। धरती पर जो जो चीजें इसके लिए लाभ की चीजें थी, इसने मसीह की पहचान की खातिर उन सारी वस्तुओं को हानि जाना है, हानि समझा है। क्या आप समझते हैं अपने लाभ की चीजों को हानि समझते हैं? हम तो संगति सैक्रिफाइस कर देते हैं, संगति का वक्त के समय में हम हमारे लिए दूसरी चीजें जो हैं वो अधिकतर प्रायोरिटी हो जाती हैं, ज्यादा महत्व रखने लग जाती हैं। हमारे लिए क्या चीजों की हम हानि उठाएंगे? तो पॉलुस यहाँ पर मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता है। फिर आगे लिखा है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है, हानि उठाई भी है इसने, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। अब संसार की चीजें हम देखते हैं, इधर देख लिया, उधर देख लिया, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियोस देखते हैं, तरह तरह की लग्जरी चीजें देखते हैं, मन में खिंचाव आता है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, काश ये भी मेरे पास होता, काश मेरे पास वो भी होता, बाइक ले लूं, गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, लग्जरी लाइफ हो, सब चीज मेरे पास बढ़िया हो। पॉलुस यहां पर कहता है जिसके कारण, किसके कारण? मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और मैं उन सब वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं। अब ये क्यों कूड़ा समझता है संसार की चीजों को, संसार के धन को ये क्यों कूड़ा समझता है? क्योंकि इसने स्वर्ग में ऐसी चीजें देख ली है जो इसको मुंह पर लाना उचित नहीं, बता नहीं सकता है, कहना चाहता है कुछ फिर रुक जाता है, हिंट दे देता है, कहता स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहो। He wants to die like Jesus died, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, कहता वैसी समानता में मेरी भी मृत्यु हो, मैं भी वैसी मौत मरूं, वैसे ही मरूं, और जैसे मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है मैं भी मृत्यु जैम का सामर्थ को हो चखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि यीशु मसीह को कौन सी सामर्थ ने मुर्दों में से जिंदा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब क्यों समर्पण आया? क्योंकि स्वर्ग का दर्शन पाया है इसने। अब मैं ये भी बातें आपको शेयर करता हूं, कुछ हिंट देता है पॉलुस। प्रभु का कलाम में पढ़िए, 1 कुरिन्थियों उसका 2:8-7 से पढ़ते तो लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। परमेश्वर का एक ज्ञान है जो पहले ही गुप्त है, ऊपर से पॉलुस उसको बताता भी भेद की रीति पर है, खोल कर पूरा नहीं बता रहा है पॉलुस। अभी जो पॉलुस ने हमको 14 पत्रियों में लिख कर दे दिया है ये भी पूरा नहीं लिख कर दिया उसने। जो रेवलेशन पॉलुस को मिला है उसको पूर्ण तौर पर उसने खोला ही नहीं है कलीसिया के ऊपर, ये बात समझ लीजिए आप। कहता है हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जैसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर का ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जैसे परमेश्वर ने सनातन से सदा से हमेशा से अनादिकाल से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। किसको? यदि ये यहोवा के उस गुप्त ज्ञान को जानते तो प्रभु यीशु मसीह जो तेजोमय प्रभु है उसको क्रूस पर कभी ना चढ़ाते। यदि इनको रेवलेशन होता कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या चीजें लिखी। आगे 9 वचन में पढ़ते हैं, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी,
और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ आ रहा है खुदावन का कलाम, कैसी कैसी चीजें रखी हैं परमेश्वर ने। ऐसी चीजें, पौलुस स्वर्ग गया, तीसरे स्वर्ग चढ़ा और उसने स्वर्ग में ऐसी वस्तुएं देखी जो किसी आंख ने नहीं देखी, उसने ऐसी बातें सुनी जो किसी कान ने नहीं सुनी है। हालेलुया, और ऐसी बातें जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी। अब इन वचनों को लेकर खुदावन के सो कॉल्ड जो प्रॉफिट्स है, सो कॉल्ड जो नबी हैं, अपने आप को प्रेरित बताते हैं, रसूल बताते हैं, वे लोग इन वचनों को लेकर कहते हैं कि जो बातें आपके चित्त पर भी नहीं चढ़ी हैं, जो बातें आपने कभी सोची भी नहीं है, जो बातें किसी ने ध्यान नहीं दी हैं, वो बातें क्या हैं? वो दुनिया की चीजों को लेकर बोलते कि वो बातें ये हैं। क्या क्या चीजों को बोलते हैं? गाड़ी, बंगला, मोटर गाड़ी, ये तो सबके चित्त पर चढ़ी हुई है। ये बातें तो हर एक दूसरे व्यक्ति के चित्त पर ये बात चढ़ी हुई है, हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, हम दुनिया में दौलत शौहरत कमा लें। ये तो सबके चित्त पर चढ़ी हुई है। इधर परमेश्वर का वचन बात क्या कर रहा है, पौलुस क्या लिख रहा है 9 वचन में, जो बातें आंख ने नहीं देखी। लैम्बोर्गिनी देखी है? रोल्स रॉयस गाड़ी 4 करोड़ की है, वो देखी है? वो तो देखी है ना लोगों ने। ये वो चीजें हैं जो किसी ने नहीं देखी, ऐसी चीजें जो पौलुस ने स्वर्ग में जाकर देखी। हालेलुया, इसलिए बोलते बोलते रुक जाता है, हिंट देता है हमें कि स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहो। हालेलुया, यीशु मसीह ने भी यही रेवलेशन दिया, यही प्रचार किया, कहता स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया, स्वर्ग में इकट्ठा होता है धन हमारा। जैसे जैसे हम जय पाते हैं, जयवंत जीवन जीते जा रहे हैं, वैसे वैसे खुदावन के हजूरी में उधर हमारे लिए धन इकट्ठा हो रहा है। मार खाते हैं जब आप प्रभु के लिए निंदा सहते हैं, आपको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, आप यीशु मसीह के दुखों के भागी होते हैं, संसार को आप कूड़ा जानते हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं उधर धन। हालेलुया, जब इधर सेक्रीफाइस करेंगे उधर इकट्ठा होएगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो ये बातें पौलुस ने देखी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी इन बातों को देखेगा तो घमंड तो करेगा, मैंने देखा है। हालेलुया, ज्ञान का घमंड आ जाता है। फिर वो कंटिन्यू पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में, तो भी रुक जाता हूँ, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। 6 वचन दोबारा से पढ़ रहा हूँ, लिखा है, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा। कहता यदि मैं घमंड करूंगा तो मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत के मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। अब घमंड आ रहा है, ज्ञान मिल गया है, ऐसी चीजें देख ली जो किसी ने नहीं देखी। आप ऐसा दर्शन देखेंगे, बताइए अगले दिन चर्च में किसी को जय मसीह की भी नहीं बोलेंगे, तुम पीछे हटो, मेरे लिए रास्ता छोड़ो, मुझे प्रभु ने रेवलेशन दिया है। कहता है इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत के मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। फुलावट आ रही है ज्ञान की वजह से। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं। मैं चंडीगढ़ गया था सेवा के लिए, और पिछले साल हम सेवा के लिए चंडीगढ़ गए थे, और वहां जब मैं वचन बताने के लिए प्रभु के दास ने वो वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है उधर यूट्यूब के ऊपर, चंडीगढ़ करके प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ। तो जब हम वहां पर गए प्रचार के लिए और वर्शिप चल रहा था, वर्शिप चलते चलते क्या हुआ कि मैं सामने बैठा दुआ कर रहा हूँ, प्रभु तेरे लोगों से तू बात कर, वचन। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने कभी भी वचन प्रचार करने से पहले बैठकर तैयारी नहीं की, एक बार भी नहीं की कि मैं बैठा मैंने। हाँ, मैं अपनी जब स्टडी करता हूँ तब बैठकर ज़रूर मैं कुछ ना कुछ नोट्स बनाता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ये एक फोल्डर है और भी बहुत सारे हैं, बैठकर मैं
जब बैठता हूँ स्टडी करता हूँ तो नोट्स बनाता हूँ, बट प्रचार करने के लिए मैंने कभी भी बैठकर तैयारी नहीं की। मैं सिर्फ दुआ करता हूँ, प्रभु तेरा आत्मा मुझे लीड करे। और जिस दिन हम चंडीगढ़ गए थे तो उस दिन मैंने तैयारी की थी वचन बताने के लिए, मैं तैयारी करके गया। मैं आज तक तैयारी नहीं किया हूँ। आप जो भी वचन सुनते हैं, आज सुन रहे हैं, मैंने कभी बैठकर तैयारी नहीं की। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप लीड करें, आप नियंत्रण ले मेरे ऊपर। एक आधी आयत मैं पढ़ता हूँ, खुदाबंद उसी से मुझे आगे अगुवाई करते हैं बात करने के लिए। संडे का मैसेज आप सुनते हो, जो संडे आते हैं वे जानते हैं, वो मैसेज सुनते हैं। मैंने वो संडे के मैसेज भी कभी बैठकर तैयार नहीं किए। मैं स्टडी करता हूँ अपना पर्सनल, बैठकर नोट्स जरूर बनाता हूँ, बट मैं प्रचार के लिए तैयारी कभी नहीं किया। जिस दिन चंडीगढ़ गया उस दिन मैंने प्रॉपर आयत टू आयत मैंने नोट्स बनाए, और नोट्स बनाकर मैं प्रचार के लिए चंडीगढ़ गए थे सेवा के लिए। और जब वहां पर गए तो जब वर्शिप चल रहा था तो मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु इधर हल्ला हो जाए आज, वचन से जबरदस्त वचन हो, खुदावन तेरे लोग इधर शॉक्ड हो जाएं तेरे वचन सुन के, ऐसा वचन। और लिटरली मैंने वर्शिप के दौरान खुद के सामने अपने आप को प्रचार करते हुए देखा। वर्शिप चल रही थी जब मैं सामने कुर्सी पर बैठा हूँ, और सामने स्टेज पर एक दूसरा डेविस को मैंने खड़ा हुआ देखा, और बड़ा उछल उछल के, बड़ा जोश के साथ प्रचार कर रहा है, उछल उछल के कर रहा है, बड़े जोशीले शब्दों का इस्तेमाल करके बड़ा ऊंची आवाज से प्रचार कर रहा मैंने देखा। और क्या हुआ कि जब वो उसको देखकर मैं भी अंदर आ गया कि नहीं, कहते आज इधर जबरदस्त वचन, इधर बात करेगा प्रभु, बात करेगा करके। वचन बहुत जानते हैं, बहुत सारी बातें हम जानते हैं, जान गए हैं, तो वो फीलिंग भी कई बार आ जाती है। मैंने परखा उस दिन अपने आप को, आगे बताता हूँ क्या हुआ। तब क्या हुआ, उधर प्रचार के लिए खड़े थे और मैंने अपने आप को देखा, बड़ा जोश के साथ उछल उछल के जंप कर करके मैं प्रचार कर रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया मैं। मैंने ऐसा ही पिक्चर देखा अपने सामने आंखों के आगे कि ऐसे ही मैंने प्रचार करना। तो जब मैं उधर खड़ा हुआ, पास्टर ने माइक मेरे पास दिया प्रचार के लिए, जब शुरू किया एकदम से जीरो हो गया, एकदम से ब्लैंक हो गया। बाइबल में से एक आयत तक मुझे याद नहीं, एक आयत भी मुझे याद नहीं थी। तब मैंने उधर खड़े खड़े रियलाइज किया, जो उछल उछल के जो प्रचार कर रहा था वो मैं नहीं था, मेरे अंदर की मैं थी। ज्ञान का घमंड था। परमेश्वर ही है जो कलाम देता है, परमेश्वर चाहे तो आपको एकदम ब्लैंक कर दे। पिछले दिन एक पास्टर मुझे मिलने आए, वो एक पास्टर को मुझे इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते ये बाइबल ही है, ये बंदा आयतें निकाल निकाल कर ऐसे बताता है, ये सारी इसको रटी हुई आयतें। ये काम परमेश्वर करता है, आयतें हमें याद आती है, पढ़ा हुआ हमें याद रह जाता है। मैं स्कूल में इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं रट्टे मारता था, कुछ बातें मुझे याद रह जाती थी, कुछ मैं भूल जाता था। कुछ बातें मुझे आज भी याद है। दसवीं क्लास में एक पोएट्री में पढ़ता था, ड्यूटी इज ब्यूटी, लूसी डज हर ड्यूटी, शी वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म। ये मुझे अभी तक पोएट्री याद है, दसवीं क्लास में मैंने पढ़ी थी, बट मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं। बट वचन को लेकर, आयतों को लेकर मैं पढ़ता हूँ, मुझे याद रह जाती हैं आयतें। ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा याद दिलाता है, प्रभु याद रहने देता। उस दिन जो उछल रहा था, उछल उछल कर जो प्रचार कर रहा था, वो मेरे अंदर का ज्ञान का घमंड था। वो प्रकाशन फूल रहे थे अंदर, प्रकाशन उछल रहे थे। अब समझ रहे हैं, परमेश्वर चाहे तो एकदम से आपको जीरो कर दे, आपको एक आयत भी याद ना रहे। अभी आप जानते हैं, एक सरदार भाई प्रचार कर रहे थे सड़क पे, एक वीडियो आया, फिर एक और जत्थेबंदी का जो भाई है, क्या नाम नहीं मुझे याद, सरदार है, नियंग सिंह है, उसने उसको कॉल किया और तीन चार बेसिक सवाल पूछे सरदार से, सरदार प्रचारक जो थे। क्या क्या सवाल? वो कि यीशु मसीह कब मरे, कितने बजे मरे, तो ये बेसिक से सवाल उनको पूछे। वो पास्टर की बोलती बंद हो गई, पास्टर को जवाब ही नहीं आया, बेसिक सी बातों का उन्होंने जवाब नहीं वो दे पाए। आप समझ रहे हैं, बोलती बंद कौन करता है। अब परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, जब तुम्हें परमेश्वर हाकिमों के सामने तुम खड़े होंगे तो चिंता मत करना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, पवित्र आत्मा तुम में से होकर बोलेगा। अब यदि परमेश्वर ने हाथ पीछे खींच लिया है, मौके पर जुबान बंद हो गई है, खुल नहीं रही है, तो इसका मतलब जो सड़क पर जाकर प्रचार कर रहे थे वो प्रभु की ओर से नहीं था, या उतावली में आकर चले गए, प्रभु जाने।
पर अगर आप सड़क पर खड़े होकर आपको बोलने का दलेरी पवित्र आत्मा दे सकता है, तो फोन पर किसी ने सवाल पूछा तो उसको जवाब देने में क्या दिक्कत है? सड़क पर यदि प्रचार करने का दलेरी, तो मैं उधर उस दिन जाना कि मेरे अंदर ज्ञान का घमंड है, परमेश्वर चाहे तो मुझे शून्य कर दे, मुझे एक आयत भी याद ना रहे, परंतु ये सब परमेश्वर का ही काम है। जो मैं वचन बताता हूँ, जो वचन सुनाता हूँ, जो जो भी मैं शेयर किया हूँ आप सबके साथ खुदावन के कलाम में से, पिछले जब लॉकडाउन हुआ था तभी ऐसे ही जूम मीटिंग डेली चलता था, ये मैंने फिर बंद कर दिया था ऑनलाइन, क्योंकि लोकल वाले जो हैं वो इकट्ठे नहीं होते। अब भी देख आप देख रहे हैं, आप सब लोग दूर दूर से जो जुड़े हैं, आप ही लोग जुड़ते हैं। हमारे इधर लोकल चर्च के जो है सिर्फ एक पवन का फैमिली है, नितिन पवन, उनके वाइफ दोनों जुड़े हैं, उनके मम्मी जुड़े हैं, सिर्फ एक फैमिली इधर से जुड़े है। हमारा लोकल चर्च जो है इधर जुड़ता नहीं संगति में, क्यों नहीं जुड़ते प्रभु जाने। आप ग्रुप में भी मैसेज करते हो, आप लोगों के ही मैसेज होते हैं सारे। हम कल ही बात कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे, कहते जो दूर दूर से जुड़े हैं सिर्फ वही रिप्लाई करते हैं, वही मैसेज करते हैं, वही बातचीत करते हैं, उन्हीं के मैसेजेस आते हैं। अपने लोकल जो चर्च के लोग हैं वो लोग रिप्लाई तक नहीं करते, जय मसीह की तक नहीं लिखते वो। ये अब खुदा जाने, प्रभु जाने, पिछले दिनों में मैंने इनको डांटा, मैंने कहा आप लोगों की आवाज़ तक नहीं निकलती, वर्शिप के दौरान आराधना करते वक्त आपकी आवाज़ नहीं निकलती, गीत नहीं आप गाते। ये प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया, मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ। शायद ये कांटा है, शायद ये प्रभु ने चुभाया है, ताकि प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊँ, शायद ये वो कांटा। और भी बहुत सारे कांटे हैं जीवन में, पर ये इससे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। ज्ञान का घमंड आता है जब आप कुछ जान जाते हैं, आप कुछ जान जाते हैं ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं जानता है, आपके अंदर धीरे धीरे घमंड आने लगता है। मैंने बड़ा अपने आप को संभाला है। अगर आप मुझे आज से दो तीन चार तीन साल पहले आप यदि मुझे देखते तो आपको खड़े भी नहीं होने देता मेरे पास। मैंने बड़ा अपने आप पर कंट्रोल किया है बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में। मैं लोगों के साथ तर्क वितर्क करता था यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे ऊपर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना किसी ना किसी के वीडियो के नीचे। अब मैं नहीं करता हूँ ये चीज़। मैंने बहुत अपने आप को सब्र से बिठा कर रखा है। मैं अब पंगे नहीं लेता किसी के साथ। स्टार्टिंग में मैं बहुत बोलता था, बहुत बातें करता था, थोड़ा अब मैं सब्र के साथ चलता हूँ। क्योंकि गलत उपदेश के तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो गलत उपदेश एक व्यक्ति अपना स्वार्थ के लिए करता है, अपने लाभ के लिए करता है ताकि उसको कुछ फायदा निकले, अपने फायदे के लिए करता है, या गलत उपदेश एक व्यक्ति, शैतान ने उसकी बुद्धि को पकड़ा है, उसको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो शैतान के कंट्रोल में है इसलिए वो करता है, या फिर तीसरा कारण ये हो सकता है कि वो अज्ञानता में गलत उपदेश करता है, जानता नहीं है इसलिए करता है। अब जो अज्ञानता में चलता है उसके साथ तो हम नरमाई में पेश आ सकते हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है इब्रानियों 5 में कि जो अज्ञानता में है, अज्ञानी है, नहीं जानते हैं, उनसे तू नरमाई से पेश आ सकता है क्योंकि तू भी निर्बलताओं से घिरा हुआ है। मैंने फिर इस बात में थोड़ा सबर किया, मैं ऐसे ही हर एक के साथ नहीं भिड़ूंगा। मुझे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है टू बिल्ड द चर्च। कई जगहों पर मैं उखाड़ता भी हूँ, खदेड़ता भी हूँ। अब लोग बोलेंगे कि क्यों, सेवक को तो बनाने के लिए बुलाया है, सेवक को उखाड़ने के लिए भी बुलाया है, सेवक उखाड़ता भी है। पढ़ा है वचन में आपने? बताइए, पढ़ा है? नहीं जी, पढ़े नहीं। पढ़े फिर, यर्मिया को इसीलिए चुना हूँ, यर्मिया की पुस्तक में, यर्मिया की पुस्तक उसका एक अध्याय, उसका यदि आप पढ़ेंगे 7 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जब ये कहता है मैं तो बालक हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, परमेश्वर ऐसे कहते 7 वचन में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वहीं तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, सुन 10 वचन, सुन मैं आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, जिन्हें उन्हें गिराने
और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। समझ में आया? सेवक सिर्फ बनाता ही नहीं है, उखाड़ता भी है, खदेड़ता भी है, नष्ट भी कर देता है। यरमाया ने नष्ट किया है, इसके प्रोफेसीज ने, जब इसने यरूशलम के अगेंस्ट प्रोफेसी किया तो रिलीजियस जो लोग थे, जो धर्म के ठेकेदार लोग थे, वे कहने लगे इसने मृत्यु दंड के योग्य भविष्यवाणी किया, इसने पवित्र नगर यरूशलम के खिलाफ ये बोला। आज भी ट्रेडिशनल लोग ऐसे ही बोलते हैं, जब हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ वीडियो आ जाए, कुछ बनाकर बोल दें, आवाज़ हमारी खोल दें और लोगों के बीच में एक मुद्दा रख दें, तब लोग यही बोलते हैं कि इसने अभिषिक्त को छुआ है, ये नष्ट होगा, ये मृत्यु दंड के योग्य है, परमेश्वर इसका बदला लेगा, परमेश्वर इसको सजा देगा। आप जानते ही नहीं है, परमेश्वर ही मुंह में वचन डालता है उखाड़ने के लिए, खदेड़ने के लिए, गिराने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए। यहोवा जब अपने सेवकों को चुनता है तो या तो उसको बनाने के लिए भी चुनता है और ढाने के लिए भी चुनता है, उठा देता है। यरूशलम में मंदिर के बारे में इसने प्रोफेसी किया, परमेश्वर ने इसके मुंह में वचन डाला, कहता डरना नहीं किसी से भी, जहां जहां तू खड़ा होगा मैं तेरे साथ हूं, जो जो बोलेगा मैं तुझे छुड़ाने के लिए खड़ा रहूंगा। उधर एक लकड़ी का काठ इसके गर्दन पर रखा हुआ है। आप यदि यर्मिया का पुस्तक का स्टडी करेंगे तो 27-28 अध्याय पढ़ेंगे तो उधर एक लकड़ी का काठ इसके गर्दन पर रखा, काठ समझते हैं, जुआ बोलते हैं उसको, जुआ रखा हुआ है लकड़ी का, और उसमें हाथ और गर्दन इसकी जकड़ी है यर्मिया की। क्यों? क्योंकि इसने वो बोला जो यहोवा ने इसको बोलने के लिए कहा। समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है? फिर एक नबी आता है, अच्छियां भविष्यवाणियां करने वाला, कहता है इसका आकर यर्मिया का लकड़ी का जुआ तोड़ देता है, कहता देखो जैसे मैंने ये जुआ तोड़ा है परमेश्वर ठीक इसी तरह से बेबीलोनियों का जुआ आपके ऊपर से तोड़ देगा। तो यर्मिया कहता है, फिर कहता है जब परमेश्वर, जब कोई भलाई के विषय में भविष्यवाणी करता है तो वो पूरी होगी, तभी वो जाना जाएगा कि वो सच्चा नबी है। कहता हमसे पहले जितने भी नबी आए उन्होंने तो फिर ऐसी सेवा की, गिराने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए। ये यर्मिया 27-28 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। कहता यर्मिया कहता हमसे पहले जो भविष्यद्वक्ता आए उन्होंने तो ऐसी सेवा की है, अच्छी अच्छी बातें नहीं कही उन्होंने, स्वीट शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं उन्होंने बोले, मीठे मीठे बातें, आशीष की बातें, बरकत की बातें। कहता लकड़ी का जुआ, कहता अब तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा है, परमेश्वर लकड़ी का हटा के तुम पर लोहे का जुआ रखेगा। यरूशलम डिस्ट्रॉय हो गया उस समय में, मंदिर ढा दिया गया जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, मंदिर का सारा सामान उठाकर नबूकदनेज़र ले गया बेबीलोन में। आप भजन सहायता पढ़ते ना 145 है शायद, उसमें बेबीलोन के अंदर यरूशलम के रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने अपनी वीणाओं को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पेड़ों के ऊपर टांग दिया। क्यों? क्योंकि बेबीलोनी फरमाइश कर रहे हैं सुनाओ कुछ यहोवा के गीतों में से, एंटरटेनमेंट का विषय बन गया है इनका भक्ति। फिर आगे चलकर उन्हीं बर्तनों में दारू पिया गया, शराब पिया गया, जिन बर्तनों को यहोवा के भवन में रखा जाता है, जिनको एवरी ईयर लहू के साथ शुद्ध किया जाता है, जिनमें याजक काम करते हैं, उन बर्तनों को नबूकदनेज़र लेकर उसमें शराब पीता। फिर उधर आकाश में एक उंगली दिखती है ऐसे लिखी हुई, मने मने तकेलो फारसी। समझ में आ रहा? तो परमेश्वर अपने नबियों को ढाने के लिए भी चुनता है, गिराने के लिए भी चुनता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए भी चुनता है, फिर बनाने या रोपने के लिए भी चुनता है। परमेश्वर ने यर्मिया को चुना। ये सब बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसका अभिषेक हमें सिखाता है। वो चाहे तो हमें, हमारी समझ एकदम से जीरो कर दे। उसने नबूकदनेज़र को बाद में जानवर बना दिया, वो जंगल में बैठा घास खा रहा है जानवरों के साथ। यहोवा के हाथ में है हमारी बुद्धि, चाहे तो इसको वचन से भर दे, चाहे इसको जानवरों पशु सरीखे बना दे। हमें सलाह देता है परमेश्वर भजन सहायता में, ना हो घोड़ियां खच्चरां वांगर, तो इन्हों कुछ भी समझ नहीं है, घोड़ों के समान न बने, खच्चरों के समान न बने। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत उत्तम चीजें रखी हैं स्वर्ग में, और हमारा मन इस संसार के कूड़े पर लगा हुआ है। ये सुअर की आदत है, उसको नहला दो, तैयार कर दो, साफ कर दो, वो फिर कीचड़ में लौटने के लिए तैयार है।
जैसे कुत्ता अपनी उल्टी करके फिर चाट लेता। ये काम हमने नहीं करने हैं, हम अब आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। संसार पे हमने मुंह नहीं लगाना है। देखिए पौलुस कुछ बातें बताते बताते रुक गया है। कुछ बात है स्वर्ग में जो बड़ी गंभीर है, जो बड़ी ही सुहावनी है, जिसको देखकर ये बोलता है कि मैं, मेरे लिए मरना लाभ है। क्या हम बोल सकते हैं हमारे लिए मरना लाभ? हमारी आगे की कोई हमारी उम्मीद ही नहीं है हमें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मरना हमारे लिए लाभ है? आगे क्या है, डेस्टिनी क्या है, जब तक उसकी पहचान नहीं आएगी तब तक हम इस संसार में ही जंगल में जैसे इजरायली 40 साल घूमते रहे, बस वैसे ही हम इधर भी घूमते रहेंगे। इसलिए हमारी कई बार मेरा मन बड़ा प्रभु से बातें करता है कि प्रभु अब तो आ जा। तो कई बार बैठा सोचता हूँ, बात करता हूँ प्रभु से, कई बार कहता हूँ प्रभु से, प्रभु तू अब तो आ जा। कई बार मन नहीं लगता इधर बिल्कुल भी, और बस इधर से जाने के लिए इच्छा होता है, बस चले जाएं इधर से। कई बार होता है ऐसा, दिन में कई बार हो जाता है। ये इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ सही नहीं है, वो मेरे साथ सही है, इसलिए नहीं, प्रभु से मिलने के लिए। इसलिए नहीं कि जीवन में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बस मैं मरना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं। इसलिए कि प्रभु मैं देखूं तो सही, जानूं तो सही क्या है आगे की जीवन में है। जब मर जाएंगे स्वर्गदूत आएंगे हमें लेने के लिए। बिब्लिकल है ये, स्वर्गदूत आते हैं ना मरने वालों को लेने के लिए। यदि हम स्वर्ग में जाएंगे तो डेफिनेटली स्वर्गदूत आएंगे हमें लेने के लिए। लाजर को लेने के लिए स्वर्गदूत आए थे, पढ़ा है कलाम में। स्वर्गदूतों ने उठाकर उसको आराम के स्थान में ले गए। और धनी को लेने आया कोई? धनी को कोई लेने नहीं आया, धनी को कोई लेने नहीं आया। उधर उसने आंखें बंद, उस धरती पर आंखें बंद हुई, और जैसे ही आंखें खोली सीधा अपने आप को उसने पीड़ा के स्थान पर पाया है। स्वर्ग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक प्रकट नहीं की गई। उन दर्शनों पर ना जाएं जो लोग बोलते हैं हमने उधर फूल बूटे देखे। फूल बूटों से भी बढ़कर होगा, फूल बूटों से भी बढ़कर खूबसूरती होगी उसकी। रेवलेशन जब हम पढ़ते हैं, बिलौर सा चमकने वाला है, उसके फाटक सोने के हैं, मोतियों के हैं उसके फाटक, सड़क सोने की है, कांच के समान चमकता है, शाइन करता है, ग्लोरियस है, महिमा से भरा हुआ है, तेज से भरा हुआ है। उधर सूरज नहीं है, उधर परमेश्वर का मुख ही सब जगह रोशनी देता है, अद्भुत नजारा है उधर। हमें उधर की कोई इंतजार ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। इसलिए प्रभु हमें ऐसे रेवलेशन भी नहीं देता है। और जैसे जैसे वचन सीखते जा रहे हैं, मैं आपके साथ अपना अनुभव क्यों शेयर किया, जैसे जैसे वचन सीखते जा रहे हैं, प्रभु को और नजदीक से जानते जा रहे हैं, घमंड से परे रहिएगा, अपने आप को जांचते रहिएगा, परखते रहिएगा। ये पवित्रता का घमंड जो है, उस बाकी घमंड पता ना, धन का घमंड होता है, बुद्धि का घमंड होता है, और बलवान का बल का घमंड होता है। उन घमंडों से ये घमंड सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये घमंड यदि किसी में आ गया तो उसको उसके फॉल्ट्स दिखने बंद हो जाएंगे, उसको उसकी बुराइयां दिखनियां बंद हो जाएंगी। पवित्रता का घमंड यदि आ गया, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, दूसरे के फिर फॉल्ट्स लाजमी दिखा करेंगे, अपने कभी नहीं दिखेंगे। और यदि आप में आपको अपने फॉल्ट्स दिखेंगे नहीं, दाऊद के जैसे आपके पाप आपकी आंखों के सामने नहीं आएंगे, तो तौबा किससे करेंगे? आप अपने पाप में ही मरेंगे और उसी में मरकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान के घमंड से हमने बचना है। यूट्यूब पर कुछ भाई हैं जो मुझे लगातार ये बोलते रहते, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। मैं नहीं पढ़ता हूँ किसी की भी बुक। मेरे पास सुपीरियर बुक है, ये है मेरे पास, यही मैं अभी तक अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ। अब जब मैं उनसे पूछता हूँ, भाई आपने बाइबल पढ़ा है? आज ही बात हुआ मेरा, ये लगातार मुझे भेज रहे हैं। देखिए ये एक किसी की कही हुई बात है, गॉड नेवर गिव्स अस डिसर्नमेंट इन ऑर्डर दैट वी मे क्रिटिसाइज। किसके लिखे हुए शब्द है? साथ में नाम दिया गया, ऑसवर्ल्ड, ठीक है, ये नाम है, किसने लिखा है? लेन, और उसके लिखे हुए कुछ बातें हैं, थॉमस की लिखी हुई बात है, ये भेज रहे हैं। किसी और की लिखी हुई बातें मुझे भेजते हैं, और कभी भी इन्होंने बाइबल से मुझे कोई आयत नहीं भेजी है। और है ना, ये फेसबुक पर भी डालते थे, तो मैंने इनको बोला कि मुझे पर्सनली भेजे, तो भी ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उसके फेसबुक के ऊपर मेरे डाल रहे थे लगातार। तो मैंने इनको डिलीट कर दिया, आज वार्निंग दिया 2-3 बार, नहीं हटे, तो मैंने इनको फेसबुक से अपने डिलीट कर दिया। तो माफी मांगने लगे,
मुझे दोबारा ऐड करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने इनको सवाल किया, डू यू रीड योर बाइबल एवरी डे, क्या आप अपना बाइबल पढ़ते हैं? नो पास्टर, नहीं पढ़ते हैं बाइबल। अब बाइबल पढ़ते नहीं हैं तो लोगों की लिखी हुई बातें जो हैं वो मुझे पोस्ट कर रहे हैं। बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल की आयतें भेजेंगे। आप बताइए, मैंने अपने ग्रुप में कभी किसी का लिखा हुआ वर्ड भेजा हुआ कि फलाने सेवक की ने ऐसा बोला है, फलाने सेवक ने ऐसा? बाइबल में इतने सेवक हैं, उन्होंने इतनी बातें लिखी हैं, इतनी बातें बोली हैं, वो हम कभी शेयर नहीं करते। ये बातें हुई, बाइबल पढ़ते नहीं हैं परंतु मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर होते हैं। समझ रहे हैं आप, ये हमने नहीं करना है। हमने मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं होना। मैं जो आपको सिखाता हूँ उस पर भी आप निर्भर ना हो। मैं तो कभी कहता ही नहीं हूँ कि मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ। सिखाता हूँ, वेरीफाई करो, बाइबल में खुद भी बाइबल पढ़ो बैठकर, तब जाकर प्रभु आपसे सही मायने में बात करेगा, आपको लीडिंग देगा, आपके निजी जीवन में खुदावंद आपको चलाएगा, धर्म के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा, है ना। तो मनुष्य के ज्ञान पर घमंड हमने डिपेंड नहीं होना है। तो बाइबल ये हमें दिया, ये इसको ही मैंने अभी तक सही मायने से पढ़ा नहीं है। मुझे लगता है जो मैंने पढ़ा है, जो मैं जानता हूँ, वो भी अभी कम है। इसको ही नहीं मैं पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से। तो मैं एक किताब पास में रखूँ, उसको पढ़ूँ, फिर इसको बाइबल को साथ में रखूँ, बाइबल मिला, मैं बाइबल ही पढ़ूँ ना डायरेक्ट, उसी में से मैं रेवलेशन लूँ ना। अब ये नहीं पढ़ूंगा, दूसरी किताबें पढ़ता जाऊँ। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी किताबें पढ़ना गलत है, कोई कई सेवक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी होंगी, बट मेरा जो आधार है वो बाइबल ने होना है, किसी मनुष्य। अब रवि जकरिया का पता है ना आप सबको, लास्ट में क्या है, उन्होंने इतनी किताबें लिखी, लोगों ने पढ़ पढ़ के इतना ज्ञान उनकी किताबों से हासिल किया, लास्ट में उनका जीवन क्या रहा आप सब जानते हैं। रवि जकरिया जो है इंडिया के वन ऑफ द फेमस अपोलोजेटिक्स रहे हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, इंडिया में से एक सेवक की पहचान, वो पहले शायद नेवी में थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो काम छोड़कर फिर वो सेवा में आए, वर्ल्ड वाइड फेमस है रवि जकरायन। लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने अपने खुद के स्पा पार्लर खोले, मसाज पार्लर खोले हैं, और खुद भी मसाज लेते हैं, अंत में यही फिर काम होते हैं। फिर ये होता है जब जब शैतान आपको कांटा नहीं चुभता, ये अंत होता है। इसलिए कांटा चुभता है तो ये अच्छा है, ताकि आप ज्ञान प्रकाशनों से फूल ना जाए। अब उनकी लिखी हुई किताबें जो हैं उनको पढ़कर मैं क्या करूं? किसी भी सेवक को फॉलो करना है तो ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन फॉलो करने से पहले क्या हिदायत देता, क्या सलाह देता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 13 अध्याय उसका 7 वचन में, कि जिस भी सेवक को आप उसके अनुयायी हो रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके जीवन का अंत देखो, उसका जीवन कैसा है, उसको बैठकर उसकी चाल चलन को सोचो, तब उसको फॉलो करो। ऐसे ही आंखें बंद करके यूट्यूब पर इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, मुझे सुन लिया, आप मुझे फॉलो करने लग जाओ, जांचो पहले, परखो, चाल चलन देखो, सोच विचार देखो, कैसे चलता है सेवक, तब जाकर उसके अनुयायी होना, फॉलो करना। नहीं तो फिर बाद में ठोकर खाओगे, तो फिर रोओगे, फिर कहोगे मैंने उस पर भरोसा किया था। ये सब चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ। सेवकों के ऊपर भरोसा करना, उनके ऊपर निर्भर हो जाना, फिर उसके बाद उनके जीवन में से कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ जानी, फिर हमने रोना कि मेरा मन टूट गया, अब मैं कैसे चलूँ, अब मैं प्रभु, पहले ही अपने आप को प्रभु के हाथ में दीजिए, पहले ही अपने आप को प्रभु के साथ चलाएं, मेरे ऊपर भी डिपेंड ना हो। मैं सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, आपके पास एक घंटा आधा घंटा आकर आपके साथ बैठकर दुआ कर लेता हूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका रूटीन बन जाए, कल को मैं हूँ या ना हूँ आपको पता हो कि हाँ ये टाइम तो हमने डेडिकेट किया, हम डेली प्रार्थना करते हैं, हमने करना ही करना, समझ रहे हैं। उसके लिए मैं समय निकाल कर आता हूँ ताकि आपका आदत बन जाए दुआ करने के लिए, प्रभु की हजूरी में बैठने के लिए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान दीजिए और प्रभु में मगन रहिए, प्रभु में बने रहिए, खुदावंत से डरें और प्रभु से प्रेम करें, आपस में भी प्रेम रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो फिर वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो जो पौलुस ने स्वर्ग में देखी है। आपको पता भी नहीं लगेगा वो चीज़ें थी क्या, यदि आप पीड़ा के स्थान में चले गए, आप उधर बैठ के पीड़ा के स्थान में भी ये सोचते रहेंगे कि वो चीज़ें हैं क्या जो पौलुस ने देखी, जो प्रभु ने कलीसिया के लिए रखी, हम तो वहाँ पर जा नहीं पाएंगे, कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए उन चीज़ों के लिए अपने जीवन को तैयार कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।